जय श्री राम, जय माँ पीताम्बरा। शंखनाद चैनल पर आप सभी का स्वागत है। गणेश उत्सव की तैयारी का सबसे पहला चरण है सुंदर और शुभ गणपति प्रतिमा का चयन। सामान्य गृहस्थों को सर्वश्रेष्ठ फल की प्राप्ति के लिए किस प्रकार के विग्रह की स्थापना घर, ऑफिस या प्रतिष्ठान में करनी चाहिए, आज ये जान लेते हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन जो लोगों में रहता है वो ये कि गणपति की सूंड की दिशा क्या होनी चाहिए, दाएं, बाएं या फिर सीधी। इसके अलावा गणपति खड़े हो या फिर आसन पर विराजमान। इन सभी प्रश्नों के शास्त्रोक्त उत्तर आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए इसे पूरा अवश्य देखें। सबसे पहले सूंड की दिशा का रहस्य जान लेते हैं। गणपति प्रतिमाओं में सामान्यतः तीन प्रकार से सूंड दिखाई देती है, दाईं ओर, बाईं ओर और केंद्र में यानी बीच में सीधी। ऐसी प्रतिमा जिसमें गणपति के बाईं यानी लेफ्ट साइड की ओर पॉइंट करती हुई सूंड हो उसे वक्रतुंड प्रतिमा कहते हैं। संस्कृत में वक्र या वक्रम शब्द का अर्थ होता है तिरछा या टेढ़ा या कर्व्ड। वहीं तुंड का अर्थ होता है मुंह, चोंच या निकला हुआ सा मुंह, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में थुथन भी कहते हैं। वक्रतुंड प्रतिमा में सूंड गणपति के लेफ्ट साइड होगी और आपके राइट साइड। ऐसे विग्रह को रिद्धि विनायक भी कहते हैं, क्योंकि भगवान गणेश की दो पत्नियां मानी गई हैं, रिद्धि और सिद्धि। रिद्धि का तात्पर्य सांसारिक भोग विलास, धन ऐश्वर्य, पारिवारिक सुख वगैरह से होता है। देवी रिद्धि गणपति के बाईं ओर विराजती हैं, इसीलिए लेफ्ट साइड की सूंड वाली प्रतिमा को रिद्धि विनायक भी कहते हैं। इस तरह की सूंड वाले गणपति सौम्य और शांत स्वरूप में होते हैं। फिर आते हैं दाईं ओर सूंड वाले विग्रह। इसमें गणेश जी की सूंड उनके राइट साइड और आपके लेफ्ट साइड होगी। इस प्रकार की प्रतिमाएं सिद्धि विनायक कहलाती हैं। यहाँ गणेश जी की दूसरी पत्नी देवी सिद्धि उनके दाईं ओर विराजमान है, इसीलिए इसे सिद्धि विनायक कहते हैं। सिद्धि का तात्पर्य है जब तप और साधना के लंबे रास्ते पर चलने के बाद जब साधक अपने इष्ट का सानिध्य और ज्ञान प्राप्त कर ले। सिद्धि का अर्थ स्पिरिचुअल अवेकनिंग से भी है। रिद्धि विनायक और सिद्धि विनायक के बाद आते हैं सीधी यानी कि केंद्र में सूंड वाले गणपति। ये बहुत ही विलक्षण प्रकार की अवस्था है सूंड की, जिसका महत्व गहरा और गूढ़ है। ऐसी सीधी सूंड की प्रतिमा दर्शाती है कि रिद्धि यानी भौतिक सुख ऐश्वर्य और सिद्धि यानी कि साधना और ज्ञान दोनों अर्जित करने के बाद साधक जब सत्य की खोज और परमात्मा में विलीन होने के रास्ते पर चल पड़े। ऐसी सीधी सूंड सूक्ष्म नाड़ी का प्रतीक है और रीढ़ की सीधी हड्डी का भी, जहां कुंडलिनी चक्रों का स्थान है। ये तो हो गई प्रतिमाओं की पहचान। अब जान लेते हैं कि घर में गृहस्थों को शुभ फल प्राप्ति के लिए कौन सा विग्रह स्थापित करना चाहिए। रिद्धि विनायक या लेफ्ट साइड सूंड वाले गणपति सरल विधियों और सुगम वस्तुओं से पूजे जाते हैं। इनकी सेवा सामान्य नियमों और श्रद्धा भाव से की जा सकती है। संस्कृत के श्लोक और मंत्रों की अनिवार्यता नहीं है। आप साधारण पंचोपचार पूजन से भी प्रतिदिन सेवा कर सकते हैं। ऐसे विग्रह घरों में, ऑफिस में और दुकानों वगैरह पे रखे जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि कोई क्लिष्ट नियम नहीं पालन करने होते। घर में प्रतिदिन पूजन या गणेश उत्सव पर लाए जाने के लिए लेफ्ट साइड सूंड वाले गणपति गृहस्थों के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। सिद्धि विनायक यानी कि राइट साइड सूंड वाले गणपति आपको सदा मंदिरों में स्थापित दिखेंगे, क्योंकि उनकी पूजन विधि कहीं अधिक विधिवत और शास्त्रोक्त होती है। ऐसे विग्रह की सेवा एक सदाचारी ब्राह्मण के द्वारा ही होनी चाहिए जो जनेऊ और शिखाधारी हो। प्रतिदिन प्रातः और संध्या काल में मंत्रोच्चार से षोडशोपचार पूजन और सेवा करने वाले का शाकाहार, ब्रह्मचार्य और सदाचार का पालन अनिवार्य है। यदि घर में ऐसी प्रतिमा की स्थापना हो तो स्थापना करने वाले को व्रत और जनेऊ धारण करना आवश्यक है। जब तक ऐसे गणपति आपके घर में रहें, तब तक उन्हें छोड़कर कहीं जाना और दूसरे के घर का खाना भी ग्रहण करना स्थापना करने वाले के लिए वर्जित होता है। यहाँ कहने की आवश्यकता ही नहीं कि नियमों में इतने ज्यादा अंतर होने के कारण रिद्धि विनायक सामान्य फल और सिद्धि विनायक तीव्र फल देने वाले होते हैं। हालांकि फिर भी सिद्धि विनायक विग्रह सामान्य गृहस्थ तभी स्थापित करें जब आप पूरे नियमों का पालन कर पाए, अन्यथा नहीं। अब आते हैं सूक्ष्म नाड़ी दर्शाते सीधी सूंड वाले गणपति पर। ऐसी प्रतिमा
योगी, वैरागी और उन साधकों को लानी चाहिए जिन्हें भौतिक सुखों से अधिक ज्ञान या शांति की चाह हो, क्योंकि सीधी सूंड वाले विग्रह की सेवा कुंडलिनी जागरण में सहायता करती है। सूंड की स्थिति के अलावा जो बाकी चीजें प्रतिमा लेते हुए आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि गणपति आसन पर बैठे हुए हों या थोड़े से लेटे हुए हों, ये उनका सौम्य स्वरूप है, शांत स्वरूप है। खड़े हुए या नटराज की भांति नृत्य मुद्रा वाले गणपति या तो उत्तेजित होंगे या रौद्र रूप में। ऐसे विग्रहों का स्थान मंदिरों में ज्यादा सूटेबल होता है। घर पर सौम्य स्वरूप वाले, शांत या बच्चे की आयु वाले बाल गणेश लाना सर्वश्रेष्ठ है। मूर्ति में उनके वाहन मूषक के अलावा मोदक, लड्डू, शंख, कमल ऐसी शुभ और सौम्य आकृतियां गणपति के हाथों में होनी चाहिए। रौद्र रूप दर्शाती सर्प, गड़ासा, तलवार, त्रिशूल पकड़े हुए गणपति की प्रतिमा न लें घर के लिए। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हर गृहस्थ को गणपति प्रतिमा घर पर लाने के पहले ध्यान में रखनी चाहिए। आशा है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसे अपने दोस्तों और परिवार में जरूर शेयर करें और इस तरह की जानकारी के लिए शंखनाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।